नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की महत्वपूर्ण तीन टैगलाइंस। कोरोना से बचाव के लिए आप भी अपनाएं ये तीन उपाय। दो गज दूरी का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें। जीवन की इन महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ बस्तर की बात में आज मैं हूँ आपके साथ रानू। नमस्कार, आइए खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लघु वनोपज खरीदी व्यवस्था सही ढंग से संचालित करने और वनोपज का अधिक से अधिक लाभ बस्तर क्षेत्र के ग्रामीणों को मिले, लघु वनोपज के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने ली समीक्षा बैठक। जैन धर्म के महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की अहिंसा यात्रा पहुंची जगदलपुर, चौक चौराहों पर सभी समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट घेराव का किया प्रयास, इस दौरान भाई जपाइयों की पुलिस से हुई नोकझोंक। और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भाजपा पर प्रदेश के किसानों को दिग्भ्रमित करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा वनोपज का सही मूल्य वनवासियों को मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसे लेकर वनोपज के मूल्य निर्धारण किए जाने के साथ ही उन्हें वनोपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए खरीदी व्यवस्था सही ढंग से संचालित किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही वनोपज का प्रसंस्करण बस्तर में ही किया जाए, जिससे यहां के वनोपज संग्रहणकर्ताओं को और अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए उद्योग लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपज प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने स्थानीय वन विद्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को समीक्षा बैठक ली। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला की अध्यक्षता में स्थानीय वन विद्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को जिला यूनियन जगदलपुर और सुकमा की वृद्धि स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने कहा कि वनोपज का पूरा पूरा लाभ ग्रामीणों को मिले और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसे ध्यान में रखते हुए हम सभी को कार्य करना है, ताकि ग्रामीणों के द्वारा ही वनों को संरक्षित करने का कार्य किया जाए और उससे मिलने वाले वनोपज से उनका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। इसलिए जरूरी है कि वनोपज खरीदी की व्यवस्था का संचालन संगठन से होना चाहिए। वनवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वनोपज के प्रसंस्करण करने के उद्योग लगाए जाने की बात कहते हुए लघु वनोपज प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने कहा, तो वनोपज आधारित उद्योग है, वही इसमें हो रहा है। इसके पहले भी हो रहा था, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्शन सेंटर्स ऑलरेडी हमारे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे 52 सेंटर हैं जो कि हमारे जो महिला समूह है या दूसरे समूह हैं उसके माध्यम से हो रहा है। बट अब ये समय आ गया है कि जो इसके जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी लगना चाहिए। अभी आज के समय में वनोपज आधारित जो उद्योग हैं, जो बड़े उद्योग हैं, वो दूसरे प्रदेशों में हैं। यहाँ पर केवल 5% ही उद्योग जो है लगे, यहाँ का सारा रॉ मटेरियल बाहर जाता है। तो अब ये समय आ गया है कि बस्तर में और अन्य प्रदेश के अन्य जिलों में जहाँ पर वनोपज हो रहा है उसके आधारित उद्योग लगें। लोग जो माइनिंग बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेप है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में है कि इसके आधारित उद्योग लगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बने और छत्तीसगढ़ से जो रॉ मटेरियल है, जो यहाँ का वनोपज है, उसके आधारित फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ के इंडस्ट्रीज लग के बने और पूरे देश और विदेशों में जाए। सर, जैसे जड़ी बूटी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं बस्तर क्षेत्र में, लेकिन इनका दोहन हो रहा है, सर उसे किस तरह से संरक्षण? दोहन मतलब ये तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो वहाँ के आसपास के जो गांव वाले हैं, जो इस वनों के आसपास रहते हैं, ये उनका धरोहर है। ये धरोहर को उनको उसका संरक्षित भी करना है और उसका दोहन भी करना है, और दोहन उस लेवल पे करना है कि इसका उनको निरुत्तर और आने वाले सालों में वो चीज़ उनको मिलते रहे। इसी कारण से जो भी वनों का जो वर्किंग प्लान है उसमें से एक साल उसको खोला जाता है, उसके अगले साल उसको बंद किया जाता है। जब उसमें बंद होता है तो ये जो उसका संरक्षण होता है, ये एक इसका मैनेजमेंट प्लान जो है पूरे राज्य में जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरिया है उसका मैनेजमेंट प्लान बनता है। अगर वो क्लोज्ड है,
अगर वो वर्किंग प्लान के हिसाब से वो क्लोज्ड है, जो कि कोई 5 साल के लिए होता है, कभी 2 साल के लिए होता है, अलग डिपेंडिंग अलग अलग उसके हिसाब से वो क्लोज करते हैं। जब वो क्लोज होता है तब उसको फेंसिंग करके उसमें से फिर कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं होती कि वहाँ से कोई भी कलेक्शन हो, और वही एक ऐसा समय होता है कि जब उसको हम संरक्षण करते हैं, और जब संरक्षित होता है फिर खोलते हैं, फिर उसमें से उत्पाद होता है। तो ये एक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और इसी तरीके से उसका दोहन होना चाहिए जिससे कि संरक्षण भी बना रहे और समय समय पर लोग उसका, जो हमारे वनवासी हैं, उसका फ़ायदा भी रहे और उसका उचित मूल्य भी मिले, उसका जिस प्रकार से उसको मूल्य मिलना चाहिए वो भी मूल्य मिले। सर, वनोपज प्रसंस्करण के लिए कोई उद्योग लाया जाएगा? उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वनोपज प्रसंस्करण के ही उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ, कि वनोपज ये जो भी उद्योग हमें बात हो रही है वो वनोपज आधारित उद्योगों की बात हो रही है, उसी का प्रसंस्करण जो है वो बस्तर में भी होना चाहिए। बस्तर से पूरे राज्य का जो है 50% से ज़्यादा वनोपज यहाँ होता है, तो इसका इससे आधारित उद्योग भी यहाँ पर लगना चाहिए। उसका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जारी है और शीघ्र ही ऐसी स्थिति बनेगी कि हम उसको यहाँ पर लगवा पाएंगे। बैठक में उपस्थित बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वनवासियों को वनोपज का यथोचित लाभ दिलाना प्राथमिकता है, और इसके लिए जिला प्रशासन वन विभाग को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तैयार है। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने हमारे संवाददाता से चर्चा के दौरान बताया, आज रायपुर से एमडी साहब लघु वन उपज को लेकर के एक विस्तृत बैठक यहाँ पर बस्तर में आयोजित की है। आने वाले समय में हम लोगों को सबको मिल करके लघु वनोपज का MSP उचित दाम जो सरकार ने तय किया है उसको हमारे आदिवासी भाई बहनों तक दिलवाने के लिए कवायद करनी है। उसको लेकर के वन विभाग के साथ साथ राजस्व कामला और पुलिस कामला भी सक्रिय है। यदि किसी भी प्रकार से MSP से कम में, जो न्यूनतम दर है उससे कम में कोई व्यापारी वन उपज को ख़रीदता है, तो उस पर कठोर से कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, और विशेष रूप से यदि छल कपट होता है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला आता है, तो उसको लेकर के भी हमने हमारे सभी प्रबंधक साथी और वन विभाग के अधिकारियों को निवेदन किया है कि हमें तत्काल सूचित करें और उस पर हम लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह के उद्योग स्थापित किए जाएंगे? वन धन से आधारित उद्योगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं MD साहब के मार्गदर्शन में कई उद्योग यहाँ पर आएंगे, जो कि इमली हो, चाहे हर्रा बेड़ा हो, चाहे चिरौंजी है, उन सबको लेकर के प्रोसेस करेंगे, जिससे कि प्राइमरी प्रोसेसिंग से आगे हम लोग बढ़ के सेकेंडरी और टर्शरी प्रोसेसिंग कर पाएँ, और हमारे वन उपज में जो वैल्यू एडिशन हो उसको लेकर के दाम भी हमारे आदिवासी भाई बहनों को अच्छा मिल पाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, मुख्य वन संरक्षक शाहिद खान के साथ जगदलपुर सुकमा वृत्त के सभी वन अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। जैन धर्म के महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी दंतेवाड़ा होते हुए गुरुवार शाम केशलूर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए जगदलपुर से जन प्रतिनिधियों के साथ भाजपा के भी पूर्व नेता और मंत्री के साथ पुलिस और अर्ध सैनिक बल CRPF के अधिकारी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। जैन धर्म के महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी जगदलपुर जिले के पदयात्रा पर हैं। अहिंसा, नैतिकता और सद्भावना का संदेश लेकर बीते 7 वर्षों से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही डिमरापाल के रुक्मणी आश्रम से गीदम रोड होते हुए शहर के मेन रोड से अपनी पदयात्रा करते हुए निर्मल विद्यालय में पहुंचे। आचार्य महाश्रवण जी के जगदलपुर पहुंचने से पहले हजारों भक्त उनके दर्शनों के लिए आतुर नजर आए। उनका उत्साह के साथ स्वागत सत्कार किया गया। आचार्य महाश्रवण जी जगदलपुर में 2 दिनों का मंगल विहार करते हुए प्रवास करेंगे। वर्तमान समस्याएं स्थिति है, उसमें निश्चित तौर पर हम सब निदान की और अपना योगदान देंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य, जैसा कि अभी बताए, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। बंधुओं, आज हमारा समाज या कहें पूरी दुनिया, या जितनी समृद्धि आज है उतनी पहले कभी नहीं थी, फिर भी हम बेचैन हैं। आज हमारा युवा,
आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने प्रवचन में कहा कि मनुष्य राग द्वेष के कारण हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। मनुष्य को हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा से जीवन में शांति और सुखों का प्रवेश होता है। आचार्य की यात्रा से उत्साहित बस्तरवासियों का कहना था कि उनके प्रवचन से सभी में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। उसके शांति और प्रेम के उपदेश से शहर में एक सकारात्मक विचार फैलेगी। ये यात्रा 3 देश के साथ साथ 20 राज्यों में होते हुए अब तक 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में बस्तर की धरती पे जो उनके चरण पड़े बस्तर में, इससे माँ दंतेश्वरी की आराध्य देवी की जो पावन धरती है, ऐसे महान संत के कदम पड़ने से बस्तरवासी और धन्य हो गए और बस्तर जैसे क्षेत्र में इनके आगमन से धर्म की जय जयकार हो रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अहिंसा यात्रा का जो संदेश है, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये 3 सूत्र लगातार अपनी यात्रा के दौरान प्रतिदिन 14 से 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और इन बातों को रख रहे हैं। और हमारे आचार्य जी जो नक्सल संवेदनशील क्षेत्र मसेनार, वहाँ पे भी इन्होंने नाइट हॉल्ट करते हुए आगे बढ़ा, तो इनकी जो अहिंसा यात्रा के जो 3 सूत्र हैं, ये निश्चित तौर पर बस्तर में शांति का संदेश लाएंगे। आज हमारे 13 पंथ धर्मसभा के प्रथम पुरुष आचार्य महाश्रमण जी का जगदलपुर नगर आगमन हुआ है और नगर आगमन के दौरान हम कहें तो जगदलपुर के सभी समाजों के लोग, जैन श्वेतांबर समाज, उसके अलावा दिगंबर समाज, पंजाब सनातन धर्म सभा, बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स, मिथिला समाज, संजय बाजार व्यापारी संघ, मूर्ति पूजक संघ और मतलब एसपी कलेक्टर और आईजी द्वारा और समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा माननीय हमारे महाश्रमण जी का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। लगातार वो रास्ते पे लोगों को मांगलिक देते हुए, लोगों की बात सुनते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर धर्मसभा में उन्होंने अपने अहिंसा यात्रा के संबंध में बात बताई और सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का जो अभियान उन्होंने चलाया है, देश में लोग जो हैं इस अभियान से जुड़े, लोगों को संकल्प दिलाने का काम किया है, सत्य पे चलने का मार्ग बताया है। और मैं समझता हूँ कि उनके आने से बस्तर में जो हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में जो नक्सलवाद का दंश हम लोग झेल रहे हैं, आने वाले समय में शांति स्थापित होगी। उन्होंने तो बात के जरिए इस नक्सलवाद को हल करने का भी आह्वान किया है। मैं समझता हूँ महाश्रमण जी के जहाँ चरण कमल पड़े हैं वहाँ आने वाले समय में शांति स्थापित होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में जगदलपुर में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जगदलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा ने धरना प्रदर्शन कर धान खरीदी को लेकर पार्टी कांग्रेस को घेर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर वादा खिलाफी, धान खरीदी में लापरवाही का आरोप भी लगाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, किसानों के दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी सरकार है। प्रदेश में किसानों को धान बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भाजपा के शासनकाल के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना धान बेचने में नहीं करना पड़ा था। चाहे किसानों का धान बेचने के लिए पंजीयन हो या धान खरीदी की समय सीमा, कांग्रेस सरकार ने हर प्रकार से कटौती की है। कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी सरकार है और जिन किसानों के दम पर ये सरकार आई है, 2 साल में ये किसान बुरी तरह से इस सरकार से ठगे गए हैं। वो अपना उपज धान वो बेच नहीं पा रहे हैं। पिछले साल भी उनको बेचने में कठिनाई हुई थी, इस साल कठिनाई उनकी और भी ज़्यादा बढ़ गई। जबकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को धान बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती थी, कभी कोई बारदाना की कमी नहीं होती थी, ना उनको भुगतान भी समय पर हो जाता था। लेकिन ये भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार हर तरह से किसानों को परेशान कर रही है।
इस सरकार बारदाना का बहाना करके धान खरीदी कई केंद्रों में बंद कर दी। अब बारदाना व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, उसको मालूम होना चाहिए कि कितना धान खरीदा जाता है, उसके लिए कितना बोरे की आवश्यकता है। लेकिन बोरे जैसे चीज़ की व्यवस्था के लिए भी इस सरकार की इतनी ओछी मानसिकता है कि उसके लिए वो दोषारोपण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर, भारत सरकार पर लगाते हैं। इस किसान विरोधी सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी। अंततः भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कांग्रेस भवन में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर किसानों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के 15 वर्ष के शासनकाल में किसानों के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के कारण किसानों ने आत्महत्या की, उसका भाजपा हिसाब दे। सुनते हैं क्या कहा राजीव शर्मा ने। किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं उनका हिसाब दे। केंद्र सरकार ने चुनाव से पूर्व जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने की बात कही थी उनका हिसाब जनता को दे, किसानों को दे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही थी, उसका जनता और किसानों को हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य में काबिज थी। आपने देखा है, जनता ने देखा है, जाना है, परखा है, महसूस किया है कि 2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात की थी, क्या हुआ 2100 रुपए समर्थन मूल्य 15 साल के कार्यकाल में। 300 रुपए बोनस की बात की थी, क्या हुआ 300 रुपए बोनस का 15 वर्ष के कार्यकालों में। आज जनता हिसाब मांग रही है। 5 हावर्स पंप के बिजली को मुक्त करने की बात कही थी, क्या हुआ किसानों के लिए। किसानों के साथ जो भेदभाव, पक्षपातपूर्ण रवैया, ऋण माफी को लेके बात, एक एक दाना धान खरीदने की बात कही थी, क्या हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी दुकानों के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंके। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। खूबसूरती के नाम जब प्यार में हो ऐसा कंफ्यूजन तो क्या होगा इनका इक्वेशन। सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारु टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं बाकी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय राजा रुद्र प्रताप देव टाउन क्लब प्रांगण के समक्ष जारी धरना प्रदर्शन के दौरान एक अजीब वाकया देखने को मिला, जहां भाजपा की भरी सभा में पहुंचकर एक कांग्रेसी ने जमकर उत्पात मचाया। कांग्रेसी अमरीश राजपूत ने वहां पहुंचकर भरी सभा में हंगामा किया, जिसके खिलाफ भाजपाइयों ने विरोध जताते हुए कांग्रेसी के साथ हल्की झूमाझटकी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कांग्रेसी अमरीश राजपूत को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा, हाँ बिल्कुल, कांग्रेसी ही ऐसे ओछी राजनीति कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं, सब मर्यादित कार्यकर्ता हमारे रहते हैं, कभी कोई तोड़ फोड़ या फिर इस तरह में विश्वास नहीं करते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 26 जनवरी को संभावित आगमन के मद्देनजर कलेक्टर रजत बंसल, SP दीपक झा ने गुरुवार को बकावन विकास खंड के ग्राम मंगनार के आदर्श गोठान में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से आयोजन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा ली। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गोठान में मशरूम उत्पाद, वर्मी कंपोस्ट, पशु शेड, सामूहिक बाड़ी, तालाब में मछली उत्पादन वगैरह का भी अवलोकन किया। हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को जिले की तीर्थ नगरी के रूप में विख्यात बस्तर विकासखंड के ग्राम चपका स्थित शिव मंदिर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर संपूर्ण मंदिर परिसर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने मंदिर समिति और ग्रामीणों की मांग पर मंदिर परिसर में बाउंड्री वाल निर्माण, जल कुंडों का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला भवन और स्वागत गेट का निर्माण किया। साथ ही सामुदायिक शौचालय और CC रोड निर्माण आदि की सौगात भी उन्होंने दी। इसके अलावा उन्होंने तीर्थापारा चपका में पेयजल और विद्युत समस्या का शीघ्र निराकरण करने की सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। श्री बंसल ने मौके पर उपस्थित ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को मेला स्थल को विकसित करने के लिए 15 फरवरी तक योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक श्री चंदन कश्यप ने तीर्थ नगर चपका के महत्व की जानकारी देते हुए इसके समुचित विकास करने की बात भी कही। स्वस्थ और निरोगी काया के लिए योग और प्राणायाम की अनिवार्यता लोग अब समझने लगे हैं और लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए नियमित योगाभ्यास भी कर रहे हैं। पतंजलि योग संस्था जगदलपुर के द्वारा विगत 20 जनवरी से स्थानीय शांति नगर स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में नगरवासी काफी संख्या में उपस्थित होकर योग का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर मनोज पानीग्रही, श्रीमती सीमा मौर्य और डॉक्टर साजेश राव के प्रतिनिधित्व में यह योग शिविर संपन्न हो रहा है, जो कि आगामी 26 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक उपस्थित रहकर योग और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। योग और प्राणायाम से न सिर्फ शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं, बल्कि मानसिक परेशानियां भी इससे दूर होती है। युवा मुस्लिम समाज के द्वारा स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 23 से 24 जनवरी तक क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य समाज के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामने लाना है। ये जानकारी देते हुए युवा मुस्लिम समाज के संयोजक उस्मान ने हमें बताया। युवा मुस्लिम समाज के द्वारा 23 जनवरी से 2 दिवसीय क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हो रहा है। 24 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन युवा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी वसीम अहमद जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। कई व्यावसायिक संगठन समाज के युवा खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए सहयोग भी कर रहे हैं। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
लघु वनोपज खरीदी व्यवस्था सही ढंग से संचालित करने और वनोपज का अधिक से अधिक लाभ बस्तर क्षेत्र के ग्रामीणों को मिले, लघु वनोपज के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने ली समीक्षा बैठक। जैन धर्म के महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की अहिंसा यात्रा पहुंची जगदलपुर। चौक चौराहों पर सभी समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट घेराव का किया प्रयास। इस दौरान भाई जपाइयों की पुलिस से हुई नोकझोंक। और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भाजपा पर प्रदेश के किसानों को दिग्भ्रमित करने का लगाया आरोप। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे बस्तर की ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, नमस्कार।